वहीं अगली खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पूर्व चिकित्सा अधीक्षक पर लगे आरोपों की जांच की गई। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्य समिति भी बनाई गई थी, जिसने भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों की जांच की। इस दौरान शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए गए। बता दें कि भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार ने अस्पताल से रोगियों को रेफर करने, क्षेत्र में अपंजीकृत हॉस्पिटल को बढ़ावा देने, वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए खर्च करती है, उसके बाद भी अस्पताल रेफर केंद्र बना है। पूर्व चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल से रिलीव होने के बाद सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ की। महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि जांच के बाद यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट थे डॉक्टर साहब नितेश शर्मा जी, उन्होंने जो हमारे साथ में जो उन्होंने कुछ किया, तो हमने उसका आज निर्णय लिया और उनको सबको बताया। मैं यहाँ सुबह को मॉर्निंग में फूल तोड़ने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने फूल तोड़े हैं। मैंने कहा हाँ तोड़े हैं। कि क्यों तोड़े हैं? मैंने कहा पूजा पे चढ़ाने के लिए, भगवान जी पे चढ़ाने के लिए तोड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद में उन्होंने उसे गार्ड को मतलब आवाज़ दी और उससे कहा कि इन्हें एक कमरे में बंद कर दो। तो मैंने कहा तुम कमरे में बंद करोगे तो कर दो कमरे में बंद। फिर मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, ना कह करके और मैं अपने घर चली गई। उसके बाद ये जो अधिकारी आई हुई हैं, इनसे शिकायत की डीजीआईसी में। समय से कभी नहीं भी मिल पाता है और पता भी नहीं चलता है कि कितना मानदेय किस में क्या आ रहा है, लेकिन वो मानदेय हमारा फिर भी डाल देते हैं। इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए ही हम कमेटी बैठी हुई है और सभी के बयान देंगे सभी पक्षों के, और उसी के बाद हम निष्कर्ष।